दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हो या फिर चाहे सरकारी नौकरी करते हो, नौकरी करने वालों के लिए यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। एक तो साल 2021 के अप्रैल महीने से एक नया नियम लागू होने जा रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात मतलब पीएफ से जुड़ा और ईएसआईसी वगैरह से जुड़ा नियम भी बदल चुका है। जी हाँ, अप्रैल 2021 से आपकी सैलरी से जुड़ा नियम बदलने जा रहा, करोड़ों कर्मचारियों पर इसका असर होगा। दरअसल दोस्तों अप्रैल 2021 के महीने से ही कर्मचारियों की सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युटी के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा। केंद्र सरकार नए कंपनसेशन नियमों को लागू करने का प्लान बना रही है और इसकी वजह से कंपनियों की बैलेंस शीट में भी बदलाव देखने को मिलेगा और यहाँ तक कि आपकी सैलरी पर भी चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी, यहाँ पर इंपोर्टेंट अपडेट ये है दोस्तों। एक तो पहला ईएसआईसी को लेकर है, जो मैं आपको बता देता हूँ। ईएसआईसी जो है ना, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जी हाँ, यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है एक मतलब। तो इससे अगर आप भी जुड़े हो दोस्तों, कहने का मतलब कि ईएसआईसी की स्कीम अगर आपने भी ले रखी ना, तो एक अच्छी खबर ये है कि अब आप इतने दिन पहले क्या था कि ईएसआईसी का लाभ आपको तभी मिलता था जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज वगैरह कराते थे, राइट। लेकिन अब यहाँ पर ईएसआईसी ने नई घोषणा कर दी है और आपातकालीन स्थितियों में यानी कि इमरजेंसी में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस, मेडिकल सर्विस का भी लाभ ले सकते हैं और तब भी आपको बीमा क्लेम मिल जाएगा। अगर इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल सुविधाओं की जरूरत पड़ती है ना, तो बिल्कुल आप अब प्राइवेट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। खुद ईएसआईसी की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है और आपको अनुमति दे दी गई है। तो एक तो नया नियम ये लागू हो गया, ठीक है। अब वही दूसरा नया नियम जो लागू होने जा रहा वो भी इंपॉर्टेंट है, सैलरी से जुड़ा है। देखिए जरा, अप्रैल महीने से आपकी सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा। आखिर क्या क्या होगा? तो इन नियमों की वजह से दोस्तों कर्मचारियों की सैलरी स्लिप बदल जाएगी मतलब, और प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ, ग्रेच्युटी और आपके हाथ में जो नेट सैलरी आती है ना महीने की, पीएफ ईएसआईसी वगैरह सभी कुछ कटने के बाद, उस सैलरी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दूं ये नियम पिछले साल ही संसद से पारित हुए वेज कोड का एक हिस्सा है, ठीक है। और अगले फाइनेंशियल ईयर से यानी कि अप्रैल 2021 से वेतनमान की नई परिभाषा शुरू होने वाली है और इन नियमों में अलाउंस की लिमिट भी तय है। आपको बता दूं ये कुल सैलरी का 50% से ज्यादा नहीं होगा। ईटी यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक दोस्तों इन नियमों के बाद कंपनी के ज्यादातर पे स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा और कर्मचारी और कंपनी दोनों के पीएफ कंट्रीब्यूशन में इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। पीएफ कंट्रीब्यूशन के बढ़ने से कई एग्जीक्यूटिव के हाथ में जो आने वाली डायरेक्ट सैलरी है ना, वो भले ही कट सकती है लेकिन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट ही होगा, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए पीएफ ज्यादा कट रहे हैं तो आपके हाथ में जो नेट सैलरी आती है, डायरेक्ट सैलरी आती है मंथली, वो भले ही कम आएगी लेकिन एटलीस्ट आपको जो पीएफ का बेनिफिट है ना वो डबल मिलेगा, तो उधर आपको फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी छोड़ते हो रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पर जो ग्रेच्युटी मिलती है उसकी रकम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर होता है। और इसके अलावा पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ने और ग्रेच्युटी के ज्यादा भुगतान से कंपनियों की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो इस तरह की सरकार की प्लानिंग चल रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बताया कि नई परिभाषा से सैलरी स्ट्रक्चर के तौर तरीके बदलेंगे और अभी कई मामलों में अलाउंस को भी ज्यादा रखा जाता है और स्पेशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को भी कम। तो ये भी कुछ अपडेट चल रहा है। अब देखना यह बड़ा ही दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या वाकई में सरकार अप्रैल 2021 के महीने से इन नए जो वेज कानून वगैरह हैं, इंसेंशियल एक्ट हैं, इनको लागू करती हैं या नहीं, क्योंकि अभी मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि ऐसा सरकार लागू करने की प्लानिंग बना दी, ठीक है ना। अब प्लानिंग के बाद ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन अगर जारी हो जाता तो मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर एक कंफर्म अपडेट बता दूंगा। और फिलहाल तो मैंने आपको एज अलर्ट किया, सूचित किया कि इस तरह की सरकार हमारी प्लानिंग बना रही है, ठीक है ना। देखते हैं आगे वापस कंफर्म 100% कब ये कानून लागू होता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से फील्ड में जॉब करते हो, प्राइवेट नौकरी तो करते हो या पढ़ाई कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो कौन से फील्ड में करते हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर करके डीएलएस न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप कोई भी काम की खबर, इंपॉर्टेंट अपडेट्स कभी मिस नहीं कर पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।